नए संसद भवन की तस्वीर आपने देखी, सेंगोल की स्थापना के गवाह आप सभी लोग बने और भारत 24 पर हर तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं ये वाकई गौरवान्वित कर देने वाली हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टियों की अपनी राजनीति भी लगातार जाहिर है। एक तरफ जहां आम जनता घर बैठे ही सही लेकिन हर तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर गवाह बन रही है, दूसरी तरफ कुछ विपक्षी पार्टियां राजनीति में इस हद तक नीचे गिर चुकी हैं कि वो अब संसद भवन की तुलना एक ताबूत की तस्वीर साझा के उसके बगल में एक और तस्वीर साझा करते हैं आरजेडी, और वो तस्वीर है नए संसद भवन की। अब आरजेडी ताबूत के साथ में नए संसद भवन की तुलना कर रही है और ये बेहद शर्मनाक। नई संसद पर आरजेडी का शर्मनाक ट्वीट, आरजेडी ने संसद भवन को ताबूत की तरह बताया, आरजेडी ने किया नए संसद भवन का अपमान। देखिए एक तरफ संसद भवन जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, नया संसद भवन बनकर तैयार है उसका उद्घाटन, और दूसरी तरफ आरजेडी का इस शर्मनाक ट्वीट जिसमें इसके आकार को ताबूत की तरह बताया जा रहा है। दरअसल जो इसका आकार है वो ट्रायंगल है लेकिन यहाँ पर एक ताबूत की तस्वीर साझा की जा रही है आरजेडी की ओर से। राष्ट्रीय जनता दल तो कि जिसका अगर देखिए आप सिंबल की बात करें तो वो है लैम्प जो उजाला देता है, रोशनी देता है, जो अंधेरे में एक किरण है, वहीं पर वही पार्टी जरा देखिए किस तरीके का शर्मनाक ट्वीट कर रही है। आरजेडी ने नए संसद भवन का अपमान किया और 125 करोड़ की आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। राजनीति का असर इस हद तक गिर चुका है कि आरजेडी अब नए संसद भवन की तुलना एक ताबूत के साथ कर रही है। और धनंजय गिरी हमारे साथ लगातार बने हैं। धनंजय गिरी जी, एक ताबूत के साथ में नए संसद भवन की तुलना आरजेडी कर रही है। आपने खुद ही अपने संबोधन में कहा कि अत्यंत शर्मनाक करने वाला है और जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी थी तैसी, इसका जैसा स्वभाव अपने स्वभाव का ही परिचय दे रहा है। तो मैं यही सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र जब हो रहा है मजबूत उनको नजर आ रहा है ताबूत, जनता जल्द ही उतारेगी परिवारवाद का भूत। ये परिवारवाद से चलने वाले लोग हैं और इस तरह की घृणित निंदनीय कार्य करने वाले, जब लोकतंत्र के मंदिर के प्रति जिनके मन में सम्मान नहीं है उनके राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये देश की जनता तय कर देगी आने वाले समय में। जिन लोगों ने सदन का बॉयकॉट किया है जनता उन्हें सदन में शायद जाने ही न दे, वो मौका ही न दे कि सदन में जाए, और वैसे भी सदन उनकी संख्या शून्य ही है। अच्छा, बड़ी बात यह कि ताबूत जिसकी तस्वीर साझा की है उस ताबूत में मृत शख्स को दफनाया जाता है और ये लोकतंत्र का मंदिर है जिससे 125 करोड़ की आबादी की आस जुड़ी है, ये कि क्या भावना है आरजेडी की? पूजा जी देखिए उन लोगों ने लोकतंत्र को तो बिहार में दफना ही दिया, उनके काल का किया गया था और आज भी वो यही कर रहे हैं बिहार। आज बिहार की जो स्थिति है, बिहार की हाली में जिस पदहाली में उन लोगों ने पहुंचा दिया है, उस जिस उनकी भावना को प्रदर्शित करता है उनके मन में क्या सोच है लोकतंत्र के प्रति या जनास्था के प्रति, जनाकांक्षा के प्रति, जहाँ एक एक व्यक्ति एक आम आदमी अपने सपने का सृजन होते हुए देख रहा है, भारत के नया सदन बन रहा है, नई संभावनाओं का उदय हो रहा है, नए भारत का उदय हो रहा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि शायद जनता के जुड़े मुद्दे जाग जाएंगे, अब शायद लोग जागेंगे तो कहेंगे कि भाई समाज न्याय की अंतिम परिणति, लालू यादव जो सामाजिक न्याय का नारा देकर गए थे उसकी अंतिम परिणति क्या है, मेरे दो अनुभव रतन और बाकी बचे दे दो मेरे जतन, मेरे परिवार को जतन, मेरे परिवार का जतन और मेरे दो अनुभव रतन, ये उनकी सामाजिक न्याय की अंतिम परिणति है। कहा शायद उसकी परिणति ये हो जाए कि जनता कहे कि भाई मैं कहा हूँ लोकतंत्र। लोकतंत्र में सवाल जब उठेंगे तो भाई नए जन्म लेगी, नई संभावनाओं का सृजन होगा, तभी लोग देखे लोग भी जागेंगे। लोकतंत्र के तांत्रिकों ने लोग इसमें से गायब कर दिया और तंत्र के सहारे जिस तरह से चला रहे थे उन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्र किया है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका सबको जुड़ा है, जब उन्होंने लोग अच्छा नहीं लग रहा और लगना कैसे अच्छा, मान लीजिए उन्होंने लूट पाट के हो जिस पार्टी के सरबराह चार केसेस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो, उनके सहयोगी दल के मुखिया सहयोगी दल के मुख्य प्रवक्ता उन्हें कभी नाम से नहीं बुलाते थे सजा याफ्ता करके बुलाते थे, वैसे लोगों के सदा संहिता की क्या उम्मीद करते हैं आप, जैसी उनके जैसा उनके स्वभाव है स्वभाव का प्रकट के सामने दिख रहा, उनके मन में क्या है वही दिख रहा, पास जो होगा वही न देगा, इसके भाव
में भावना हो, जिसके प्रति, जिसको लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था है नहीं। ठीक है, मैं आपके पास